कृपया करके वो स्टेज पे आए राजेश चंद मिश्रा सर। मैं आपको बताता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा बिहार से ना बहुत पुराना रिश्ता है। इन्हीं का लड़का है सर, इन्हीं का पढ़ा लिखा और 41वां रैंक पूरे ऑल ओवर इंडिया। Interest you the public service interest you then only go for the CSC examination. और हमारे चेयरमैन विद्या विहार से पब्लिक स्कूल के रमेश चंद्र सर, रंजीत कुमार सर और निखिल रंजन सर जिनके हाथों द्वारा दीप प्रज्वलन की यह प्रक्रिया पूर्ण हुई। किया जो मैंने शुरू किया था। तालिया। आइडिया तो हमसे आया। तो विनय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। गम्बो। बचपन में गोविंदा जी मेरे मामा हुए। सौतेला में तो गुलशन ग्रोवर जी बैटमैन। मित्र के लिए बैटमैन हर्बल प्रोडक्ट्स का ये तोहफा। इस मंच पर है और जिन्हें गुलशन ग्रोवर सर के हाथों के द्वारा और विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल में भी कैसे हो आप? अरे ऐसे थोड़ा कहते हैं एक बिहारी सौ पे भारे। हमेशा कहता हूँ कि मेरा बिहार से ना बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में इंजीनियरिंग करने गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग नागपुर में कर रहा था, तो मैं पंजाब से था लेकिन मेरी दोस्ती सब बिहार वालों से थी। और आज भी इस प्रोग्राम में और सब लोग आए हुए हैं, कोई पूर्णिया से था, कोई आरा से, कोई सीतामढ़ी, पटना, वो देखो हमारे बिहार के लोग खड़े हुए, सब मेरे साथ खड़े हुए हैं। मतलब थे तेरे कॉलेज में पढ़ाई नहीं करते रहे। और मैं आपसे इस मंच पे कहता हूँ कि आप तो मुझे पता ही आप लोग बहुत कमाल का काम करते हैं, पर मेरी तरफ से भी हमेशा जब भी जितने बच्चों को पढ़ा सकूँ आप प्लीज बोलेगा, मैं आपका जरूर इसमें जुड़ूंगा आपके साथ। इस स्कूल के बच्चे ने यूपीएससी में 41वां रैंक लाया है। शुभम हमारे साथ है। शुभम नाम का एक लड़का जो यूपीएससी जिसने क्रैक की थी और ये शुभम हमारे बीच है। आप इन्हीं का लड़का है सर, इन्हीं का पढ़ा लिखा और 41वां रैंक पूरे ऑल ओवर इंडिया। कांग्रेचुलेशन शुभम, ऑल द बेस्ट। और बहुत सारे शुभम हैं यहाँ पर जो यू नो ऐसे ही बिहार का नाम करेंगे। तो पहले इस बच्चे को सम्मान कर रहे हैं, तालियां बजनी चाहिए। कमोन बताना पड़ेगा सरदार, बहुत जोरदार वाला बजाओ। श्री राजेश चंद्र मिश्रा सर जहां भी हो कृपया करके वो स्टेज पे आए। राजेश चंद्र मिश्रा सर खुद में ही एक उजाला है और इन्होंने इतने लोगों की मदद की है, इतने लोगों की, और सिर्फ एक ट्वीट से, एक मैसेज से, एक व्हाट्सएप से। और जब मैं कोविड के बाद इनका इंटरव्यू कर रहा था तो इन्होंने कहा था कि विजेता इतने मैसेजेस रहते हैं कि व्हाट्सएप मेरा हैंग ऑल रहता है। कि सबसे पहले वो रमेश सर को सम्मान दें। वो पूरा हुआ है सपना आज हमारे बीच। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस खूबसूरत से मौके के लिए, इस खूबसूरत क्षण के लिए। ब्रजेश और कात्यायनी मिश्रा जी से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप डायरेक्टर हैं ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स का। ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स की बहुत बड़ी कोशिश है इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में, इनका बहुत बड़ा योगदान है। में बहुत बेहतर कर रहे हैं, अव्वल दर्जे का काम कर रहे हैं। जो बच्चे कचरे चुन रहते हैं और ये मांग रहे थे उससे बच्चे को हम पढ़ाने का काम करते हैं। मैं यही सबसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे हीरोज हमारे देश में और चाहिए। लेकिन भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी आपके स्कूल में 125 बच्चे हैं,
अगर 1250 है 12050 भी होंगे तो आप ये सोच लीजिएगा कि सोनू सूद हमेशा इनके लिए खड़ा रहेगा। बोलते रहे, हम लोग करते रहेंगे। और ये जो स्कूल है सिर्फ कटिहार में नहीं, बिहार के हर जिले में होना चाहिए ताकि किसी की पढ़ाई ना रुके। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, शशि रंजन जी और हिप-हिप तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ धुरंधर भी बाकी हैं। सोनू कुमार का सोनू सूद, सोनू कुमार को सम्मान करेंगे। और ये फर्स्ट रैंक इन मधेपुरा है, क्या बात है। इनको 221,400 8 टॉप रैंक इन पूर्णिया। सारे अवार्ड जो है वो विद्या विहार करियर प्लस की ओर से दिए गए हैं बच्चों को। सलमान खान मुझे लेकर के खाने पर, वहाँ पे हम शूट कर रहे थे पुणे पे, तो सलमान ने बोला कि सोनू तेरा कद बड़ा लंबा है यार, तू कंफर्टेबल तो है ना गाड़ी के अंदर। हम गाड़ी में जा रहे थे, सलमान चला रहे थे, तो मैंने बोला क्या है ना सलमान, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा राहुल जी का, प्रफुल्ल जी का, संतोष जी का। बिहार जल्दी मुलाकात होती है वापस। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।